हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में गौरेर अपडेट्स में। और नमस्कार, मैं हूं अनीश नोटियाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी इस लॉकडाउन के दौरान आज हम करीब 14 मई को हम आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं। आज का जो विजिट होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वर्चुअली विजिट कराने वाले हैं धोलेरा का, अहमदाबाद से लेकर के धोलेरा तक। और दो बहुत मुख्य टॉपिक पे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहला कि लॉकडाउन में हम एक चीज देखेंगे कि धोलेरा में भी काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, जो डेवलपर्स आज धोलेरा में अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं या अपनी प्रॉपर्टीज को लोगों को बताते हैं, आज हम आपको करीब धोलेरा से 50 किलोमीटर की कनेक्टिविटी में सारी चीजें बारीकी से आप सभी लोगों को दर्शाने वाले हैं। बारीकी से एक एक चीजों को आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं कि कहां से कनेक्टिविटी जाने वाली है और कहां पर रियलिटी में आपको निवेश करना चाहिए, कहां पे आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहिए, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग विजिट पे धोलेरा। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों के लिए। और आज हम आप सभी लोगों को वर्चुअल विजिट कराने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। अभी हम जा रहे हैं, रेडी हैं धोलेरा के लिए। और अभी हम SG हाईवे में हैं, सर्किस गांधीनगर हाईवे, सभी लोग जानते हैं। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे धोलेरा को बगोदरा होते हुए। यहाँ से करीब जो धोलेरा का जो डिस्टेंस है, करीब करीब 90 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट स्टेप पर फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सनाथल चौराहा बोलते हैं इसको, जो कि अहमदाबाद की आउटर रिंग रोड है। इसको सरदार पटेल रिंग रोड भी बोलते हैं। और यहाँ से सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड सामने राजकोट हाईवे है, जो बगोदरा होते हुए राजकोट के लिए जाता है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी दूर चलने पर एक नया एक्सप्रेसवे जो अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में बनाया जा रहा है, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक्सप्रेस हाईवे भी यहाँ से बन रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है यहाँ से राजकोट के लिए, उस रोड से हम लोग धोलेरा के लिए जाते हैं। धन्यवाद। धोलेरा जाते समय सबसे पहला जो हमें कोई कस्बा या कोई भी शहर मिलता है, वो राजकोट हाईवे पर बावला करके ये जो शहर है, ये सबसे पहले आता है। ये बावला शहर टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि अहमदाबाद से बिल्कुल लगा हुआ है और राजकोट हाईवे पर मिलने वाला पहला शहर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ ऑलरेडी स्टेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्री, जैसे रामदेव इंडस्ट्री, और यहाँ पर काफ़ी सारी बायो फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पर फार्मा कंपनियाँ भी बहुत सारी हैं। तो ये बेसिक इंडस्ट्रियल हब है, जो कि अहमदाबाद से बिल्कुल पास में है। और धोलेरा जाते समय सबसे पहले यही जो है डेस्टिनेशन हमें मिलता है, बावला। थैंक यू। यहाँ से राजकोट की कनेक्टिविटी है सीधे। यहाँ से अगर आप राजकोट जाएंगे तो करीब लगभग 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ से राजकोट है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी बगोदरा में हम लोग हैं। यहाँ से लेफ्ट हम लेंगे तो धोलेरा के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी है करीब 50 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से धोलेरा भावनगर के लिए कनेक्टिविटी। अभी आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड का डायरेक्शन भी देखिए, ऊपर लिखा हुआ 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से धोलेरा की कनेक्टिविटी है। यहाँ से मेन जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, करीब 50 किलोमीटर है। आप देखेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में हर जगह आपको यहाँ से डेवलपर्स के बोर्ड दिखना चालू हो जाएंगे। अब अभी 50 किलोमीटर यहाँ से करीब धोलेरा है, और यहाँ से लोगों ने प्रॉपर्टियाँ सेल करना चालू कर दी हैं। और अभी हम धोलेरा की मेन कनेक्टिविटी में भी नहीं है और मेन हाईवे में भी नहीं है, क्योंकि ये जो हाईवेज़ हैं ये सिर्फ कनेक्टिंग हाईवे रहेंगे इन फ्यूचर के लिए। जो मेन हाईवे एक्सप्रेसवेज़ हैं वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे बन रहे हैं।
ये रेलवे लाइन है जो आगे धोलेरा को कनेक्ट करेगी, और ये कनेक्टिविटी के लिए ही ये बनाई जा रही है। और बात करूँ इस लाइन की तो करीब करीब ये 80% ये रेलवे ट्रैक अभी तैयार हो चुका है बनके, अभी 10-20% के आसपास और इसमें काम बाकी है, धीरे धीरे इसमें वर्क चल रहा है। और ये है धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ से अगर मैं मेन रोड से अंदर की बात करूँ तो करीब 6-7 किलोमीटर ये अंदर डेवलप होने वाला है। नवागांव करके एक जगह है जहाँ पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होगा। और फाइनली अभी हम लोग खड़े हैं जहाँ से धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का लिमिट स्टार्ट होता है, और ये वालिंदा विलेज के पास में अभी हम लोग खड़े हैं और यहाँ से धोलेरा का लिमिट स्टार्ट होता है। आगे जो पहला जो विलेज पड़ने वाला है जहाँ पे SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में जो गांव आते हैं, जो 22 गांव से मिलकर धोलेरा बन रहा है, वो पहला गांव आएगा आमली। ये आप देख सकते हैं अभी हम टाउन प्लानिंग के दूसरे गांव में हैं जो कादीपुर के नाम से जाना जाता है। और ये आपको थोड़ा अगर दिख रहा होगा रोड से हमने कनेक्ट किया है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है WTP जो कादीपुर विलेज में बना हुआ है। आप इसको विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं लगभग 70-80% के आसपास तैयार हो चुका है। लगभग 90 CR के आसपास का ये प्रोजेक्ट है जो अगले 6-8 महीने में पूरा और ये पहुंच चुके हैं हम फाइनली धोलेरा। धोलेरा ए न्यू एरा ऑफ स्मार्ट सिटीज़। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट विजिट करेंगे सोलर पार्क एंड एक्टिवेशन जोन की करेंगे। ये सोलर पार्क के स्टॉक के लिए आप देख सकते हैं इस कोविड के दौरान भी कितना स्टॉक अभी यहाँ पे मौजूद है। सोलर पार्क में भी खड़ा हूँ जिसको टाटा पावर डेवलप कर रही है, और दोस्तों आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि इस सोलर पार्क में देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी प्लेट्स लग चुकी हैं सोलर पैनल की। जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको सोलर पैनल दिखने वाला है। कोविड के टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस बड़े लेवल पे वर्कर लेबर काम कर रही हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं टाउन प्लानिंग 2B2 के अंदर जो IT एंड नॉलेज जोन है ABCD बिल्डिंग के पास। करीब 3-4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ IT एंड नॉलेज जोन आएगा। 2B2 का ये वेस्ट पार्ट रहेगा। और ये अभी हम देख सकते हैं आप ये रोड आज से 2-3 महीने पहले जब हम देखते थे होली से पहले तो ये रोड सिंगल रोड हुआ करता था और आज डबल हो चुका है और दोनों तरफ बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है रोड का। आज हम 14 मई को यहाँ पर विजिट के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस लेवल पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे भारत में, हर जगह पूरा भारत बंद है, लेकिन धोलेरा एक ऐसा शहर है जो रियलिटी में हर भारतीय का सपनों का शहर बनने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर कभी काम बंद नहीं हुआ। आप देखेंगे अभी लैंड फ्लिंग का काम भी चल रहा है। देखिए आप कहाँ तक ये पूरा टूरिज्म स्पॉट कंप्लीट हो चुका है, आप अपनी आंखों से आज देख सकते हैं। ये वर्चुअली विजिट है हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मांग रहे थे, सवाल आए थे कि कोविड के टाइम क्या धोलेरा में काम बंद हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं धोलेरा में आज भी उसी स्तर पे काम चल रहा है जितनी स्पीड में आज से पहले चल रहा था। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एक्टिवेशन जोन में और रिवर फ्रंट के पास खड़ा हूँ और यहाँ का पूरा व्यू आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए अभी भी यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे इस कोविड के दौरान इस कोरोना के समय पे काम चल रहा है। और ये लगभग 100 फीट चौड़ी रिवर फ्रंट है जो अब है, और उस तरफ भी अभी पूरा इस प्रकार की पूरी टूरिज़म के लिए स्पॉट्स तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक पूरा ये डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ धोलेरा के एक ऐसे स्पॉट में जो धोलेरा का सबसे चौड़ा रोड होने वाला है 70 मीटर का,